मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी किडनी में जो फिल्टर्स लगे होते हैं उसके छेद बड़े हो जाते हैं। छेद बने होने के कारण यूरिन में प्रोटीन लीक होता है और प्रोटीन लीक के कारण बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो इसमें को इससे आपको डाइट में समझने में आसानी हो जाएगी। ये किडनी की बीमारी ज़रूर है लेकिन किडनी का जो टॉक्सिन्स निकालने का फंक्शन है और मिनरल्स निकालने का फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसीलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो डाइट है वो लगभग नॉर्मल होती है। थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस होती हैं, अक्सर हमारे पास पेरेंट्स लाते हैं बच्चों को, बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी है, एडल्ट्स में भी होती है, क्या कि भाई इनको क्या दें, उनका सब खाना बंद कर दिया होता है, बॉयल्ड फूड दे रहे होते हैं विच इज़ अनपैलेटेबल, नमक बिल्कुल बंद कर दिया होता है, पॉसिबल नहीं है ऐसे खाने में, प्रोटीन्स बंद कर दिए होते हैं। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि आपके तो प्रोटीन्स लीक कर रहे हैं और जो चीज़ बॉडी से निकल रही है उसको उतना ही ज़्यादा लेना है। क्रॉनिक किडनी डिजीज से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डाइट बिल्कुल अलग होती है। तो अब हम चार पहले मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम और फिर हम डिटेल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो डाइट के जो चार कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट पे बात करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो स्टेरॉइड्स हम अक्सर देते हैं जिससे भूख बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए अगर फ्री कार्बोहाइड्रेट दें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दें तो उससे मोटापा आता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दें तो थोड़े फिलिंग होते हैं फ्री कार्बोहाइड्रेट्स, और कुछ लोगों को कई बार शुगर भी बढ़ जाती है, तो ऐसे ही केसेस में इसलिए फ्री कार्बोहाइड्रेट्स हम अवॉइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्री कार्बोहाइड्रेट्स सीधे तौर पे इसमें जो मीठी चीज़ें होती हैं, शुगर्स इसमें रेडिली अवेलेबल है, जैसे जितनी भी बेवरेजेस होती हैं, मिठाई होती है, आइसक्रीम होती है, तो अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं, आपकी डाइट ज़्यादा जा रही है और इसका सेवन ज़्यादा करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम फैट्स पे, क्योंकि आपकी डाइट ज़्यादा जा रही है और कुछ मेडिसिन भी ऐसे चलती हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी उस पर प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, एटलीस्ट जब तक आपका प्रोटीन लीकेज बंद हो जाए। तो जो सैचुरेटेड फैट्स है वो मना है, जिसमें घी आता है मुख्य तौर पे, बच्चों के में आता है जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर ये फ्राइड चीज़ें ज़्यादा देंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। हाँ, जो ऑयल्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिसमें ऑयल्स, जिसमें मस्टर्ड ऑयल होता है यानी सरसों का तेल होता है, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल होता है, पाम ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, राइस ब्रैन ऑयल, दिस कैन बी यूज फ्रीली। स्मॉल अमाउंट ऑफ घी भी आप जरूर तड़के के लिए जो इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। तीसरे बात आती है प्रोटीन पे, और ये सबसे मिसमैनेज रहता है, लोग प्रोटीन आमतौर पे खाना बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम से कम 5 से लेकर कई बार 10-15 ग्राम तक प्रोटीन डेली लीक कर रहा है और आपके ब्लड में प्रोटीन की कमी आ गई है, और ये एक बहुत मुख्य कारण होता है बॉडी में स्वेलिंग आने का। तो अगर आप कम प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन कि लीकेज बढ़ती जाएगी, आप कमज़ोर हो जाएंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, कई बार तो हमें प्रोटीन के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। इसीलिए आपको कितना प्रोटीन लेना है इसका एक बहुत सीधा फॉर्मूला है, हम मेजर करते हैं कितना प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जैसे किसी का अगर 5 ग्राम प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो उसको 5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा देना है, दैट इज़ ओवर एंड अबव द नॉर्मल रिक्वायरमेंट विच इज़ 1 ग्राम पर केजी। तो अगर कोई 20 किलो का बच्चा है और उसका 5 ग्राम प्रोटीन लीक हो रहा है तो उसको अराउंड, बच्चों में हम 1.2 ग्राम देते हैं तो लगभग 25 ग्राम वो हो गया, 5 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, 30 ग्राम हो गया। कोई 50 किलो का इंसान है तो उसको 1 ग्राम पर के जी 50 ग्राम हो गया, 10 ग्राम प्रोटीन लीक कर रहा है तो 60 ग्राम प्रोटीन हो गया, विच बाय एंड लार्ज इज एटलीस्ट अ नॉर्मल प्रोटीन इनटेक। अच्छा, बहुत हाई प्रोटीन इनटेक भी लेने की ज़रूरत नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आप 50 किलो का इंसान 70-80 ग्राम प्रोटीन खाएगा तो वो भी, ये देखा गया है रिसर्च स्टडीज में, किडनी के फिल्टर्स को नुकसान पहुँचाता है। तो एक बीच का रास्ता अपनाना। अब हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स में सबसे अहम होता है सोडियम। आपकी बॉडी में सूजन है, वाटर रिटेंशन हो रही है, अक्सर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जितना कम नमक लेंगे उतना ही अच्छा है,
और इसमें हम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स एडवाइस करते हैं, जिसमें रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक या लो सोडियम सॉल्ट, लूना या टाटा लेट के नाम से आता है। इसको फ्रीली इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब्जी दाल बिना नमक के खाना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर आप जितना सब्जी दाल में डाल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा सॉल्ट जैसे अचार, चटनी, पापड़ रहता है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सॉल्ट लेंगे उतनी ज़्यादा सूजन आएगी। हफ्ते में एक बार या महीने में एक आध बार आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो हम मना नहीं करेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आता है कैल्शियम फॉस्फोरस। आपकी बॉडी से तो कैल्शियम फॉस्फोरस लीक कर रहा है, और मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर ऑन मेडिसिन लाइक स्टेरॉइड्स और टैकोलिमस, जो भी बोन्स को वीक करती हैं। इसमें ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसलिए हाई कैल्शियम डाइट लेनी है, फॉस्फोरस भी अच्छा लेना है। पोटेशियम में कोई बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग फ्रूट्स बंद कर देते हैं, वेजिटेबल्स बंद कर देते हैं, उबला हुआ खाना, दालें बंद कर देते हैं, तो वो सब डाइट बिल्कुल नॉर्मल लेनी है, सिर्फ लो सॉल्ट डाइट लेनी है। विटामिन्स बाय एंड लार्ज आपकी एपिटाइट अच्छी रहती है, तो हम विटामिन्स ज़्यादा एडवाइस नहीं करते, क्योंकि आपके अगर, और कई लोगों की तो एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए आप अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो अपने आप जो नियमित रिक्वायरमेंट में विटामिन्स आपके पहुँच जाएंगे। इनफैक्ट जिन लोगों की एपिटाइट ज़्यादा होती है उनको हम खासकर बच्चों में एडवाइस करते हैं कि जब खाना खाने बैठें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पहले दें, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स पहले दें, बाद में उनको ब्रेड या अंडा जो दे रहे हैं, लंच और डिनर में भी पहले एक प्लेट सैलेड ले लें, क्योंकि इतनी एपिटाइट बढ़ गई है अगर उसको, तो अक्सर बच्चा पाँच पाँच छः छः रोटी खा रहा है और चिप्स खा लेते हैं, क्योंकि भूखा बच्चे को रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हेल्दी फूड आइटम्स हैं इस्तेमाल करेंगे तो हम आगे जाके जो मोटापा इन बीमारी में होता है दवाइयों की वजह से और कुछ डाइट जो बढ़ जाती है उसकी वजह से होता है उससे बचे रहेंगे। सो ओवरऑल डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ लो सॉल्ट नॉर्मल डाइट विथ लो फैट डाइट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। थैंक यू।